Good morning, everybody. I am Arvind Singh Manki, ED Commerce, Vidya Ashram Public School. Now, today we will take on chapter number 21, financial statement. Now, the third topic is balance sheet. Sthiti Patan. Okay. Now, that is how, why this need to pay? इसको हम प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटस के फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, कैपिटल क्या है, तो ये सब देखते हैं. जितने भी पर्सनल और रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट तो हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस में डाल देते हैं, जो पर्सनल और रियल अकाउंट है उनको हम ग्रुपिंग करते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज में. लाइबिलिटीज जो होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखी जाती है, एसेट्स जो होती है वो राइट हैंड साइड में लिखी जाती है. अब डेफिनेशन क्या है, द बिजनेस फॉर्म्स शोइंग व्हाट इज ओड, भाई हम क्या हमारा मालिकाना अधिकार है और प्रोपराइटर का जो नेटवर्थ है वो क्या है, तो वो ही बैलेंस शीट है. अब ग्रुपिंग और मार्शलिंग क्या होता है, ग्रुपिंग मीन्स जो सेम आइटम्स है जो सेम नेचर के हैं उनको हम क्या कहते हैं कॉमन हेडिंग्स में रखते हैं, जैसे करंट एसेट्स हैं, करंट लायबिलिटीज हैं और नॉन करंट एसेट्स हैं, तो उनको ग्रुपिंग की जाती है कि उसको उस तरह से रखना है. अब मार्शलिंग क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज प्रॉपर ऑर्डर. अब अगर लिक्विडिटी है तो सबसे पहले हम नॉन करंट एसेट्स रखेंगे, फिर नॉन करंट एसेट्स रखेंगे, इधर की तरफ करंट लायबिलिटीज रखेंगे, फिर हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज रखेंगे, फिर उसके बाद रिजर्व आएगा, फिर उसके बाद कैपिटल आएगा. परमानेंस में उल्टा हो जाता है, परमानेंस में सबसे पहले कैपिटल आएगा, फिर रिजर्व आएगा, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आएगी, फिर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज आएगी, और उस तरफ नॉन करंट एसेट्स आएगा, फिर करंट एसेट्स. इस तरह से परमानेंस और लिक्विडिटी की फॉर्म में इसको रखना होगा, तभी जाके वो बैलेंस शीट का जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल सही होगा. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे.